आप सभी ने रणवीर सिंह के लेटेस्ट न्यूड फोटोशूट के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, बट ताज़ा खबर यह है कि रणवीर सिंह के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई है अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ IPC एंड IT एक्ट। पर आप मुझे बताइए, क्या ये पहला केस है? क्या ऐसी कोई चीज़ पहली बार हो रही है इंडिया में? वेल, नॉट रियली। आमिर खान की जब PK मूवी आई थी तो उसके पोस्टर पे भी बड़ा आउटरीच हुआ था। इनफैक्ट मिलिंद सोमन, जो एक मॉडल और एक्टर दोनों हैं, उन्होंने अपने 55th बर्थडे पे एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट करी थी जिसमें वो समुद्र के किनारे दौड़ रहे हैं। अब इसमें क्या आउटरेजेस है? एक्चुअली वो नेकेड दौड़ रहे थे और ये बात गोवा पुलिस को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आई और उनके अगेंस्ट 294 IPC के अंडर केस रजिस्टर हो गया। मिलिंद सोमन पहले भी ऐसी चर्चा में रहे हैं क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया था, नेकेड फ़ोटोशूट, जिसपे काफ़ी आउटरेज हुआ था और 10-12 साल तक उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी उसके लिए। आपको ये भी पता है कि 2007 में शिल्पा शेट्टी एक इवेंट अटेंड कर रही थी हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे के साथ, जिसमें रिचर्ड गेरे ने उनको पब्लिकली किस कर लिया और केस रजिस्टर हो गया शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली जो भी हुआ वो ऑब्सीन था और शिल्पा शेट्टी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो पॉइंट ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है जिसमें रणवीर सिंह और बहुत सारे पहले ऐसे और भी इंसिडेंट रहे, जैकी श्रॉफ की फ़ोटोशूट और पहले के ज़माने में और भी एक्टर्स जिन्होंने ऐसे नेकेड फ़ोटोशूट किए हैं यू नो फॉर आर्ट, वो अब सरफेस हो रहे हैं जब रणवीर सिंह वाले फ़ोटोशूट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है। तो पॉइंट ये है, हमें क्या करना? हमें एज अ लॉ स्टूडेंट क्या समझना है? हमें ये समझना है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कि हमें ये समझना है कि IPC और IT एक्ट क्या बोलता है? तो आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है इवोल्यूशन ऑफ दिस लॉ रिलेटेड टू ऑब्सेनिटी इन इंडिया। वो आया कैसे? हमें पता है कि हमारा लॉ बहुत ही कॉलोनियल टाइम का है, IPC इतना पुराना एक्ट है हमारा। तो उस टाइम से लेकर इस टाइम के ऑब्सेनिटी के लॉ में क्या फ़र्क आया? ठीक है, क्या IPC में कोई ऐसा सेक्शन है जो ऑब्सेनिटी को डिफाइन करता है? अगर आप क्लियरली देखें तो ऑब्सेनिटी को डेफिनेशन क्लॉज में तो कहीं नहीं डिफाइन किया गया है। फिर हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से डिराइव करते हैं? 292 IPC से। सेक्शन 292 ऑफ IPC इज क्वाइट अ ब्रॉड सेक्शन और इन सम वे इट डिफाइंस व्हाट ऑब्सेनिटी इज। ठीक है, वो क्लियरली ये बोलता है कि कोई भी बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई भी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑब्सीन माना जाएगा अगर वो लस्सीवियस है या फिर वो प्रूरियंट इंटरेस्ट को लोगों के प्रमोट करता है। अगर हम इसको और सिंपल टर्म्स में बोलें तो अगर उसको एज अ होल देखा जाए तो वो इंसान जो पर्टिकुलर पर्सन उस रिप्रेजेंटेशन को देख रहा है, इट इज टेंडिंग टू डिप्रेव एंड करप्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई नो वर्ड्स थोड़े से बहुत जनरल हैं, इसकी क्या क्या मतलब होता है, इसको कैसे समझना है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जिसको देखने के बाद जो इंसान देख रहा है, यंग हो या ओल्ड हो, उसके माइंड में सेक्शुअल या लस्टफुल थॉट्स प्रवोक हो, उसका जो दिमाग है वो भ्रष्ट हो जाए इमोरल चीज़ों से, यू नो, टू कीप दैट सिंपल। ऑल्दो ऑब्वियसली हर रिप्रेजेंटेशन जो न्यूड है, जिसमें न्यूडिटी है, वो ऑब्सीन नहीं कहलाएगा, है ना। यही एक डिफरेंस है न्यूडिटी और ऑब्सीनिटी में। न्यूडिटी एक सिंपल बेयर स्किन हो सकती है, पर वो ऑब्सीन है कि नहीं उसको हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, है ना। हमने अगर जितने लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि फिलोसोफर्स का कहना यह है कि थिंग्स मस्ट बी सीन इन अ कॉन्टेक्स्ट। कभी भी आप बिना कॉन्टेक्स्ट के एक यूनिवर्सल लॉ नहीं निकाल सकते, है ना। जिन बच्चों ने LLM किया होगा उन्होंने, या फिर अदरवाइज हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने भी, जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होगा मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना। पोस्ट मॉडर्निज्म वाला जो ईरा है वो क्या बोलता है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन अ कॉन्टेक्स्ट। आप उसका एक यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते किसी भी रूल का कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं, राइट। तो
इसके सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं. क्या एक्सेप्शन है? कि अगर ये पब्लिक गुड में जस्टिफाइड है इस ग्राउंड पे कि ऐसी कोई भी बुक या पेंटिंग जो है वो साइंस के इंटरेस्ट में है, लिटरेचर आर्ट को प्रमोट करती है, या फिर कोई भी एक ऐसी पेंटिंग जो बोनाफाइडली यूज करी गई है रिलीजियस या धार्मिक पर्पस के लिए, है ना, कोई भी टेम्पल पे जो पेंटिंग है, जैसे आपने खजुराहो के टेम्पल्स देखे होंगे उसमें जो पेंटिंग्स हैं, वो न्यूडिटी नहीं या ऑब्सेनिटी नहीं कहलाएगी. व्हाई? बिकॉज देर आर एक्सेप्शंस गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ. ठीक है. अब कई बार जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो देखते होंगे कि एमसीक्यू आता है कि हिकलिंस रूल कहाँ दिया है, और 292 आग बंद करके टिक कर देते हैं. बट हिकलिंस रूल है क्या? कैसे ये नाम पड़ा इसका? हिकलिंस रूल को 292 में ही क्यों पढ़ते हैं? तो वो चीज़ आज हम देखेंगे. देखिए, अब सबसे पहले एक केस आया था जिसको हम बोलते हैं रंजीत उदेसी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें पहली बार ऑब्सिनिटी को काइंड ऑफ चैलेंज किया गया था. 292 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था. और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरियन ईरा का जो लॉ है, जो आर वर्सेस हिकलिन में हेल्ड हुआ था, जिसको हिकलिन टेस्ट बोलते हैं, उसको यूज़ किया. इसमें इस पर्टिकुलर केस में एक नॉवल थी जिसको चैलेंज किया गया था, और बोला गया था कि ऑब्सीन है कि नहीं है. तो कोर्ट ने बोला है, उसको चैलेंज किया. सुप्रीम कोर्ट में फिर बात आई कि ये ऑब्सीन है कि नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव आर्ट होता है उसमें बहुत सारे फ्रीडम होता है, फ्रीडम इन्फ्रिंज होता है ना. तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल है. और इसमें जो आर वर्सेस हिकलिन का केस था उसमें चीफ जस्टिस कॉकबर्न थे, उन्होंने हिकलिन टेस्ट के बारे में बोला कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज ऑब्सीन है कि. तो उन्होंने बोला कि एक टेस्ट, वन टेस्ट दैट हैज टू बी सीन वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज ऑब्सीन और नॉट, टू सी वेदर द ऑब्सीन थिंग जो सामने है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, पेपर में है, पैम्पलेट में है, पेंटिंग में है, वेदर इट इज डिप्रेविंग और करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल हु आर ओपन टू सच इन्फ्लुएंस. कहने का मतलब साफ शब्दों में कि जिनके हाथों में ऐसी पब्लिकेशन पड़ी, जो मैगजीन देख रहे हैं, जैसे रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह की जो फोटोशूट हुआ जिस मैगजीन में, अगर वो कोई पढ़ रहा है, तो कोई भी वो पढ़े, चाहे वो ओल्ड हो या यंग क्राउड हो, क्या उनका दिमाग करप्ट हो रहा है इमोरल एक्ट्स के कारण? क्या उनमें एक सेंस ऑफ सेक्शुअलिटी उनके माइंड में क्रिएट हो रही है, उनको वो डिप्रेव कर रही है, करप्ट कर रही है माइंड को? दिस इज द टेस्ट. ठीक है. और उन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्सीन है तो ये बट ऑब्वियस है कि लोगों के माइंड को वो इम्प्योर थॉट से भरेगी और यू नो सेक्सुअल अराउजमेंट होगा. अब और कोर्ट ने बोला इस पर्टिकुलर केस में कि ये टेस्ट हमारे इंडिया में भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि सिचुएशन सेम है. अब इस टेस्ट की ना बड़ी सारी प्रॉब्लम है. पहली बात तो क्या डिप्रेव है, क्या करप्ट है, कुछ नहीं पता, है ना. क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, पोस्ट मॉडर्निज्म, हम बढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी बढ़ रही है, जो एक चीज़ के, एक इंसान के लिए जो ऑब्सीन हो सकता है वो दूसरे इंसान के लिए एक पीस ऑफ आर्ट हो सकता है. तो ये बड़ा कॉन्टेक्स्टुअल है ना. और ऑब्वियसली इस केस में एक बोला गया था कि चीज़ों को एज अ होल देखना पड़ेगा. आप चीज़ों, यू कॉन्ट सी थिंग्स इन आइसोलेशन, है ना. एक पार्ट किसी चीज़ का उठा के ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये ऑब्सीन है. आपको उस पूरे चीज़ को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, है ना. अगर खजुराहो की जो पेंटिंग्स हैं या अदरवाइज जो भी पेंटिंग्स हैं, अगर जो थोड़ी सी न्यूडिटी वो करती हैं, डिपेक्ट करती हैं, अगर सिर्फ उन पेंटिंग्स को देखेंगे तो मे बी देर इज ऑब्सिनिटी. बट अगर उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे, तो वो ऑब्सिनिटी नहीं कहलाएगी. जैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था बैंडेड क्वीन केस, जिसमें एक सीन था जहाँ पर फूलन देवी नेकेड परेड करती है, और वो जो सीन था वो बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था उस पर्टिकुलर मूवी के लिए, ताकि फूलन देवी का बैकग्राउंड पूरी तरीके से बता सके. तो इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं ऑब्सिनिटी को लेकर, बोला है. कई बार ये भी डिबेट चला है कि ये जो वर्ड, ये जो लॉ है ऑब्सिनिटी से रिलेटेड, इसको हटा देना चाहिए क्योंकि कॉलोनियल लॉ है. पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज ये लॉ पुराना है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको टोटली हटा दें. ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाओ. हम मानते हैं कि आप बोल रहे हो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है हम करेंगे, बट इट इज़ ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन.
वी फॉलो दैट, ठीक है, बट इसको हटाओ मत एब्सोल्युटली. बढ़ते समय के साथ हम डेफिनेटली चेंजेस करेंगे, बट जस्ट डोंट मेक इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे यू नो ओकेजन्स पे बोला गया है कि ऑब्सिनिटी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, दोनों को साइड बाय साइड रखो और फिर देखो. जो अगर एक तरफ आर्ट है और कल्चर है और दूसरी तरफ ऑब्सिनिटी है, तो आप देखो कि लेवल ऑफ ऑब्सिनिटी क्या है, है ना. सिर्फ आउटराइटली उसको निगेट मत कर दो. बहुत सारे जब ये रणवीर सिंह का पर्टिकुलरली ये आउटरेज हुआ, तो बहुत सारे लॉयर्स इसके सपोर्ट में आए. कुछ लॉयर्स ने अपनी ओपिनियन दी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो लॉयर्स का कहना यही था कि पहली बात कि प्लीज सी थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, सी थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. जस्ट बिकॉज एक न्यूडिटी है सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्सीन भी हो, राइट. तो आप देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बोली जा रही हैं. यू नो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये केस था अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बार बार यही बोला कि पर से न्यूडिटी इज नॉट ऑब्सिनिटी, ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर चीज तो न्यूड हो वो ऑब्सीन हो. ऐसे तो आप देखोगे कि नागा बाबा जो लोग जब कुंभ का मेला लगता है तो बहुत मीडिया कवरेज होती है, वो भी अपने वस्त्रों को त्याग कर चलते हैं, बट वो तो ऑब्सीन नहीं है, है ना. और यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट तो दिख भी नहीं रहा है. रणवीर सिंह का फोटोशूट हो या यू नो मिलिंद सोमन का फोटो हो जिसमें वो बीच पे दौड़ रहे हैं, देर इज नो प्राइवेट पार्ट विजिबल. यहाँ पर सिर्फ बेयर स्किन है. विल दैट बी कॉल्ड ऑब्सीन, यू नो. तो अब ये आपको डिसाइड करना है इसके कॉन्टेक्स्ट में, आईपीसी और आईटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट पे, कि क्या हर एक एक्ट ऑब्सिनिटी है जो न्यूड है, और नहीं तो फिर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी, क्या क्राइटेरिया होंगे जो हमें फॉलो करने हैं इसको ओवरकम करने के लिए. तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रणवीर सिंह का जो फोटोशूट है वो ऑब्सीन है, येस और नो, प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन.